I came in Turbat University in this department. Before coming in Turbat University, I thought there's no reading. I was so much worried. But when I came in this department, I saw my HOD, my department, I became so much happy. Especially, I'm so much happy because of my HOD, because I love him. He's too much great. I was encouraged by him. Now my ambitions and my inspiration are day by day growing due to my HOD. If I didn't get any good HOD, maybe I would be worried that how can I go ahead? How can I do my research ahead? Now I'm thinking that I'm a researcher. I don't think that my research time come when I come in my MPhil or PhD. Now I am thinking that I am a researcher. I have to start my research now. I'm so much happy that I am in this field. I have selected this field. Many scientists, due to them, the chemistry are in this stage. But I was not impressed by any scientist or other. I myself want to be a good scientist, a good researcher. I want to be that. सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि यूनिवर्सिटी तुरबत में यूनिवर्सिटी आ गई है, तो हमारी पढ़ाई भी पूरी होगी क्योंकि नज़दीक है. लेकिन देखा जहाँ यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, जो लेबोरेटरीज़ वगैरह हैं, मैं यहाँ को जो कुछ चीज़ें केमिकल्स वगैरह मौजूद नहीं है जो होना चाहिए. एक तो यह है कि पावर्टी की वजह से हाँ, जो लोग आगे जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत कम है. एक तो गरीबी की वजह से आगे नहीं जा सकते. तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि वो आगे जाना चाहती है लेकिन पावर्टी की वजह से वो आगे नहीं जा रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा जो वजह है पावर्टी है. तो एक तो यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो डिपार्टमेंट है वो सब बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, बीएस बॉटनी, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री. लेकिन मेरी तो मैं जो पढ़ना चाहती हूँ जोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है जोलॉजी, मैं बॉटनी में आ गई हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है और मेरी अपनी पसंद की है और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है. लेकिन फैसिलिटीज़ देखा जाए तो बहुत कम है. एक तो इंटरनेट, आज की पढ़ाई में जो इंटरनेट बहुत ज़रूरी होती है, हर चीज़ में इंटरनेट का मदद लेना होती है, यहाँ पर इंटरनेट ही नहीं है. एक तो मैं पढ़ाई अपनी पूरी करके अपनी अम्मी अबू की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अबू है जो मज़दूर है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ और अपने आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मज़दूर की बेटी भी पढ़ सकती है और आगे जा सकती है. अगर मज़दूरी बेटी क्यों ना हो, लेकिन वो लड़की क्यों ना हो, वो आगे जा सकती है. लेकिन पावर्टी की वजह से जो मुश्किलात मुझे सामने आ रहे हैं, मैं उन मुश्किलात का सामना करूँगी.